हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हो techoop.com। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग Honor 10 Lite के बारे में। बेसिकली गाइस, मैंने Honor 8X बहुत दिन तक यूज़ किया है और Honor 10 Lite और Honor 8X में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो इस वीडियो में बात करेंगे Honor 10 Lite के एक स्मॉल रिव्यू के बारे में, जो बेसिकली फर्स्ट हैंड भी कह सकते हो तुम इसको। सो मैं इसको रिव्यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने Honor 8X यूज़ किया हुआ है, Honor 10 Lite में उतना डिफरेंस नहीं है। सो आज मैं गया था Honor 10 Lite के इवेंट में और वहाँ पर मैंने Honor 10 Lite का बेसिकली पूरा अच्छे से यूज़ किया। वैसे मैंने पहले भी यूज़ किया था सोर्सेज, सो उसको साइड में रखते हुए आज वाले रिव्यू के बारे में बात कर लेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और कोई भी सजेशन देना तो कमेंट में प्लीज़। सो गाइज, अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखी है तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसी भी मोबाइल की प्राइसिंग की। सो गाइज, प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जितना भी स्पेसिफिकेशन या फीचर दिया हुआ है वो कितना ज़्यादा वर्थ है, और उस पार्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में वो कितना ज़्यादा अच्छा रैंक रखता है, कौन से मोबाइल से अच्छा है, कौन से मोबाइल से ज़्यादा बेकार है। सो सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। 4+64GB की जो प्राइसिंग है वो आपको 14,000 रुपये सही है। लेकिन गाइस, जो सेकंड वेरिएंट है 6+64, उसका आपको 18,000 रुपये प्राइसिंग है। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा महंगा, 4,000 का डिफरेंस तो बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ और किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे। कंपनी की पॉलिसी है ये, पॉलिसी कि एक मोबाइल का वेरियंट बेचेंगे और दूसरे वाला का नहीं बेचना है, क्योंकि उसका यूनिट भी कम निकालते हैं लोग और उसको बेचते ही नहीं, समझ लो। क्योंकि दो मोबाइल का वेरियंट ऐसा निकाल दो ना कि एक बिल्कुल कंपेरेटिवली बहुत अच्छा हो जाए और एक फुद्दू सा बन जाए। फुद्दू वर्ड अच्छा है इसके लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। 6.2 इंच की फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले है। आपको फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले आपको इस प्राइस रेंज में सारे फ़ोन में मिल रही है। सो बहुत कुछ नया नहीं यहाँ पे, और लेकिन एक चीज़ नया है, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इनका जो चिन होता है Honor 8X का और इसका चिन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। आपको 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, बहुत छोटी सी चिन है, बहुत अच्छा लगता है ये। और अगर यहाँ पे एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि इस प्राइस रेंज में 14,000 में सबसे अगर कमाल का डिज़ाइन है किसी मोबाइल का तो आपको Honor 8X का है, और उसके बाद आता है Honor का 10 Lite। 10 Lite आपको गाइस ग्रेडियंट कलर में, आपको पिंक ग्रेडियंट कलर जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है कि 2-3 महीने के बाद ये ला देंगे यहाँ पर भी। लेकिन गाइस, अभी ब्लू में ग्रेडियंट डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, एक ब्लू सफाई ब्लू कहते हैं उसको, वो मिलेगा। और आपको ब्लैक कलर, 3 कलर में अवेलेबल है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्काई ब्लू के साथ जाइए, जो ग्रेडियंट कलर है जो आप वीडियो में देख रहे होंगे, मुझे वो बहुत पसंद आया था। अब बात करते हैं कैमरा की गाइस। सो गाइस, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है ये, सही बात है। 24 मेगापिक्सल का AI कैमरा इन्होंने दिया है। 24 मेगापिक्सल का कैमरा गाइस बहुत ही कमाल का होता है, और मैंने आपको Realme U1 से कंपेयर करके देखा। आप भी एक दो फोटोज़ देख रहे होंगे Realme U1 की। सो गाइस, ये कंपैरिजन है, और Realme U1 की फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी आ रही थी, और गाइस डिटेल में भी Realme U1 मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन गाइस, इतना भी बुरा नहीं था, और सेल्फी के लवर्स इसके साथ आराम से जा सकते हैं, क्योंकि आपको सेल्फी प्लस परफॉर्मेंस और बहुत कुछ मिलने वाले, जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। और गाइस, अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो Honor 10 Lite में आपको मिलेगा 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि AI बेस्ड कैमरा है और AI चिपसेट के साथ आ रहा है इसीलिए। और कैमरा की क्लैरिटी और क्वालिटी फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी इंप्रेसिव थी, Realme U1 जैसा जैसा ही है। आपको थोड़ा बहुत अच्छा ही कह सकते हो तुम 10 Lite का कैमरा था। सो गाइस, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है ये, सेल्फी लवर्स इसके साथ आराम से जा सकते हैं, लेकिन सेल्फी उतनी कमाल की नहीं मिलती है जितनी आपको Realme U1 में मिलती है। Realme U1 में आपको कैमरा की क्वालिटी और डिटेल्ड इमेज बहुत अच्छी आती है बिकॉज ऑफ सोनी 586 IMX सेंसर, 586 आई डोंट नो, अगर गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ पर लिख दूंगा। सो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, जो कि है, मुझे सबसे अच्छा लगा ये कि आपको पहला फ़ोन है शायद 15,000 के अंडर में जो आपको एंड्रॉयड 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, मतलब कि आपको डायरेक्ट 9.0 मिल जाएगा, एंड्रॉयड पाई मिलेगा। अच्छी बात है ये, EMUI 9.0 यहाँ पे अगेन मिलता है, और GPU Turbo 2 मिलता है। सो GPU Turbo तो आपने सुना ही होगा, इस पर मेरी एक वीडियो भी डेडिकेटेड। सो GPU Turbo क्या करता है कि आपका लैगलेस और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्हेंस करता है, और GPU Turbo बहुत कमाल का नई परफॉर्मेंस अपग्रेड करता है, जैसा मुझे मैंने सोचा था, जैसा मैंने मेरे पास एक्सपेक्टेशन था इसके लिए। लेकिन GPU Turbo 2 मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन गाइज, आपको यहाँ पे जो चिपसेट मिलता है 12 NMP बेस्ड है, Kirin 710। गाइज, प्रोसेसर वाली जो बातें होती हैं, मैं आपको सिंपल से बताऊं तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। आपको GPU में थोड़ा सा कमज़ोर है, GPU वही होता है सेक्शन जिसमें आपको गेमिंग के लिए होता है, और गेमिंग के मामले में ये मोबाइल बहुत कमाल का नहीं है और बहुत बुरा नहीं है। लेकिन आप पबजी आपको मीडियम ग्राफिक्स पे लैग, 1-2% लैग होगा, मतलब
10 बार खेलोगे तो 2-3 बार आपको लैग मिलेगा देखने को, लेकिन आपको अगर आप खेलते हो लो सेटिंग में तो बहुत कमाल का चलेगा। सो इसका मतलब ये है कि आपको किरिन 710 अच्छा सा प्रोसेसर है और इस प्राइस रेंज में एक्सेप्टेबल है। और अगर बात करते हैं बैटरी की तो 3400 mAh की बैटरी मिलेगी। अगेन थोड़ा सा घटा दिया यहाँ पे इन्होंने, 3750 mAh मिलता था ऑनर 8X में, 10 लाइट में आपको 3400 मिल रहा है, क्या कर रहे हो पता नहीं, लेकिन गाइज आपको बैटरी जो वन डे आराम से निकाल देगी, मेरी गारंटी है यहाँ पे। अब बात करते हैं गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, इसके AI फीचर्स के बारे में। सो गाइज AI फीचर्स ऑनर के और हुआवे के सारे मोबाइल में बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर बात करते हैं सबसे पहले कैमरा से तो 22 डिफरेंट आपको सीन्स डिटेक्ट करता है, जैसे कि स्काई हो गया, बीच हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, पर्सन हो गए या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, उन सब के हिसाब से आपको सैचुरेट करके देगा आपको फोटो अच्छी। और अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा AI फीचर्स की तो आपको फूड के कैलोरी रिकॉग्नाइजेशन भी है इसमें, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। आपको हुआवे Mate 20 में मिलता है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट, शायद ऑनर 8X में भी मिल जाएगा, लेकिन गाइस ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, अगर आप फिटनेस फ्रीक हो तो बहुत हेल्प कर सकती है आपकी। और आपको यहाँ पर नया फीचर भी आया है एक वाईफाई ब्रिज करके। वाईफाई ब्रिज में क्या होगा कि अपने वाईफाई को हॉटस्पॉट बना के मैक्सिमम 3 लोग के साथ शेयर कर सकते हो। वैसे अगर तुम हॉटस्पॉट शेयर कर सकते हो तो वाईफाई शेयर कर दो, लेकिन कभी कभी केस होता है कि मैं आपको वाईफाई पासवर्ड नहीं देना चाहता हूँ, तो हॉटस्पॉट ले लो टेम्प्रोरी के लिए। सो अच्छी चीज़ है। सो गाइज ये रहा पूरा पैकेज ऑनर 10 लाइट का। मुझे लगता है कि ये प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। 500-600 रुपये अगर कम हो जाते हैं ऑफर के साथ, बैंक ऑफर के साथ, तो बहुत तगड़ा फ़ोन हो सकता है। सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ़ोन और मैं रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप एक नए फ़ोन लेना चाहते हो तो। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नई चीज़ मिलती है जो कि आपको बहुत सारे ऑर्डिनरी फ़ोन में नहीं मिलेगी। और अगर 14,000 रुपये की जो प्राइसिंग है बिल्कुल परफेक्ट है, अगर 500-600 रुपये 1,000 रुपये और कम कर देता ऑनर तो बहुत कमाल हो जाता। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था, ऑनर 10 लाइट का एक डिटेल्ड स्मॉल फर्स्ट हैंड इंप्रेशन रिव्यू कैसा लगा आपको प्लीज़ बताओ कमेंट में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, सब्सक्राइब कर देना।